बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन इट इज़ वर्थ इट क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स परफॉर्म करने आ रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे न्यू ईयर पे भी। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ पर? एनवायरनमेंट बहुत ही पुरसकून है माशाल्लाह से, भी थोड़ा सा गर्म माहौल होने वाला है, फिर इंजॉय करेंगे। ये आप देख ही सकते हैं कि न्यू ईयर फीस्टा का पहला कॉन्सर्ट है जो कि पारव्यू ने ऑर्गेनाइज करवाया है 2024 का, और मैं इतनी सर्दी में भी यहाँ पर आई क्योंकि मुझे बहुत शौक है लाइफ एंजॉय करने का। आप लोगों को इधर पका रही हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पका रही, मैं तो खुद गाने सुनने आई हूँ, मैं क्यों पकाऊंगी किसी को। लोग कहते हैं आप चैं 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 करते हैं, लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कॉन्सर्ट कैसा लग रहा है? कॉन्सर्ट दिल खुल गया, जैसे लड्डू फूट रहे हैं ना दिल में, ऐसे अभी कॉन्सर्ट शुरू होना है तो बड़ा मजा आने वाला। अभी तो हमें कॉन्सर्ट नहीं शुरू हुआ। फेवरेट सिंगर कौन है? आइमा बेग, अली असमत साहब। मुझे लगता है लोग को गरमाएंगे और लोग भी इंजॉय करेंगे, फैमिली गाला है। मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं, नाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। न्यूज़ वन में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। साल 2024 का शानदार पहला कॉन्सर्ट होने जा रहा है जहां पर परफॉर्म करेंगी नताशा बेग और जोशे जुनून वाले अली अजमत साहब। उनके जोश और जज्बे को देखकर लोग क्या कहते हैं, लोग नए साल में क्या करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं लोगों से। हमारे साथ मशहूर सेलिब्रिटी निमरा अली साहिबा मौजूद है जो अपने बोलने की वजह से, चैं चैं करने की वजह से वायरल है, और इनसे आज पूछते हैं कि चैं चैं ये इवेंट कैसा है, ये सर्द शाम में अली अजमत की आवाज। पार्क्यू में इवेंट हो रहा है क्योंकि ये आप देख ही सकते हैं कि न्यू ईयर फीस्टा का पहला कॉन्सर्ट है जो कि पार्क्यू ने ऑर्गेनाइज करवाया है 2024 का, और मैं इतनी सर्दी में भी यहाँ पर आई क्योंकि मुझे बहुत शौक है लाइफ एंजॉय करने का, और पार्क्यू के जितने भी कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स होते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं, तो मैंने कभी भी मिस नहीं किए। और ऊपर से सोसाइटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, इतना सुकून होता है इस सोसाइटी में, तो इसलिए मुझे अच्छी लगती है ये सोसाइटी। अच्छी लगती है। इवेंट कैसा चल रहा है, कैसा म्यूजिक चल रहा है? बहुत अच्छा है इवेंट, एकदम ऐसा है जैसे आप खाना भी खा सकते हैं, हाथ भी सेक सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, मतलब बहुत मजे की आज की ये रात होने वाली है क्योंकि अली अजमत और नताशा बेग जो है वो सिंगर्स हैं, सो होप फॉर द बेस्ट। सुने आप लोगों को इधर पका रही हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पका रही, मैं तो खुद गाने सुनने आई हूँ, मैं क्यों पकाऊंगी किसी को। लोग कहते हैं आप चैं 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 करती हैं, लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने क्या कहा? नहीं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बिल्कुल भी किसी को ये नहीं कहूंगी कि मैं चैं चैं नहीं करती, मैं करती हूं, ऑब्वियसली मैं करती हूं, मेरा बोलना कितनी करती है, कर ही लेती हूं थोड़ी बहुत, ज्यादा मूड हो तो ज्यादा करती हूं। नहीं, मूड पे नहीं डिपेंड करता, डिपेंड करता टॉपिक पे और सामने वाला मुझसे बात कर रहा है कि नहीं। अगर सामने वाला टॉपिक ना मिले तो आप चैं चैं नहीं करेंगी? हां यार, बगैर टॉपिक के मैं क्या बोलती हूं, पागल हूं लगती है। निमरा अली हमारी पुरानी कुलेग भी हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ा फेम दिया और अब ये ज्यादा चैं चैं करती हैं। अल्लाह हाफिज़। इवेंट कैसा चल रहा है मैडम? इवेंट बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन इट इज़ वर्थ इट क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स परफॉर्म करने आ रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे न्यू ईयर पे भी। इवेंट एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिलीज आ रही हैं? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फैमिलीज वाला एनवायरनमेंट है, मतलब आम तौर पे हम देखते हैं कॉन्सर्ट्स हैं जहाँ गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े मसले मसाले होते हैं, लेकिन पार्क के इवेंट्स जो हैं वो हमेशा से बहुत अच्छे होते हैं और ऐसा कोई मसला नहीं होता, सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है और आप खुल के इंजॉय कर सकते हो, और लोग जो हैं वो बहुत, मैनेजमेंट इनकी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर्दियों की सर्द शाम में गर्म इवेंट कैसा लग रहा है? अभी तक तो गर्म नहीं हुआ, लेकिन कल का भी इवेंट बहुत अच्छा था और आज भी गर्म गर्म इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है और आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी क्या होता है। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ पर? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्टॉल्स लगे हुए हैं दोनों साइडों पे, इधर भी इधर भी, दरमियान में डिफरेंट जगहों पे बोनफायर का भी सीन है, बारबेक्यू भी चल रहा है, सूप भी जगह जगह से मिल रहे हैं और सिंगर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। यस, आई एम एक्साइटेड। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है इवेंट? बहुत मजे का, अभी तो स्टार्ट होने वाला है, उसी का वेट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ पर? एनवायरनमेंट बहुत ही पुरसकून है माशाल्लाह से, भी थोड़ा सा गर्म माहौल होने वाला है, फिर एंजॉय करेंगे। सोसाइटी के हवाले से बताएं कैसी है सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट सोसाइटी का? सिक्योरिटी इनकी बहुत ही जबरदस्त है और मैं तो खुद सोचूं यहाँ पे मैं खुद लौट लूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है इवेंट? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, यकीन मरे दिल बागबां हो रहा है हमारा यहाँ पे। कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का, सोसाइटी का? यार बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट, हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, बस यू नो माहौल बड़ा अच्छा है इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं आज, बड़ा मजे वाला माहौल, हमें तो अच्छा लगता है, बाकी लोगों का तो पता नहीं। कॉन्सर्ट कैसा लग रहा है? कॉन्सर्ट दिल खुल गया, जैसे लड्डू फूट रहे हैं ना दिल में, ऐसे अभी कॉन्सर्ट शुरू होना है तो बड़ा मजा आने वाला, अभी तो हमें कॉन्सर्ट नहीं शुरू हुआ। फेवरेट सिंगर कौन है? आइमा बेग। सुनाएं आइमा बेग का गाना कुछ। आइमा बेग का तो नहीं आता लेकिन उनके लिए एक गाना है, सुनाएं। दिल में देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार, बस आंखों में प्यार, कोई और, कोई और।
मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं, नाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। वाह, ये किस लिए था? ये आयमा बेग के लिए था। पैगाम आयमा बेग साहिबा के। I love आयमा बेग, यकीन करे मेरा दिल करता है मैं बस वो मुझे मिले और मैं उसे हक करूं बात। दिल में पूरे क्राउड में कुछ और इशारा कर देना आपको। नहीं मैंने आई लव यू बस वो इशारा नहीं वो कर सकती, वो अपने फैंस के साथ ऐसा नहीं करती। मैं उनका फैन नहीं लवर हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम जी। इवेंट कैसा चल रहा है? इवेंट बहुत कमाल है और पार्क्यू हमेशा से मैंने देखा है कि इवेंट्स बहुत कमाल 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 कराते हैं। सर्दियों की सर्द शाम में अली अजमत साहब, अली अजमत साहब मुझे लगता है लोग को गरमाएंगे और लोग भी इंजॉय करेंगे। फैमिली गाला है, पार्क्यू इवेंट है, फीस्टा 2024, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आना चाहिए सब फैमिलीज को, बच्चों को, क्योंकि फूड स्टॉल्स भी बहुत कमाल किस्म के लगाए। एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट सिक्योरिटी मैं कहता हूँ कमाल है। नए साल में क्या करने जा रहे हैं? नया नए साल में कोशिश बहुत से प्लान्स किए हैं और ये वन ऑफ द मेन प्लान ये भी है कि हम इवेंट्स को एंजॉय करेंगे, लोगों तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचाएंगे और जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान का उसका एक अच्छा और मस्बत चेहरा लोगों को दिखाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। नया साल, सर्दियों की सख्त रात और अली अजमत, बहुत अच्छा कंपैरिजन है ये। अब आम आएगी, एंजॉय करेगी। पार्क भी हमेशा से ऐसे इवेंट करवाता आया और मजीद करवाता रहेगा। ये एक अच्छा इवेंट है गैदरिंग के लिए, फैमिलीज के लिए। एनवायरनमेंट कैसा यहाँ का? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, विंटर और साथ ये म्यूजिक आउटस्टैंडिंग कंपैरिजन है। सोसाइटी का माहौल कैसा? सोसाइटी का माहौल बेहतरीन है, बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा है, इस वजह से कुछ समझ नहीं आ रही अभी तक, तो हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हुए हैं।